हम कैसे पता करें कि हमें फैटी लीवर हो गया है? 90% लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारा लीवर है वो फैटी हो चुका है। तो हमें कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि हमारा फैटी लीवर है। जब अगर आपने कोई भी टेस्ट नहीं कराया है तो इस वीडियो को देख के आप टेस्ट भी करवा सकते हो, नहीं तो सिम्टम पहचान के आप पता कर सकते हो कि आपको फैटी लीवर है या नहीं है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी, अगर आपकी फैमिली में किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली मान के चलिए कि आपको कहीं ना कहीं फैटी लीवर मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो ग्रेड वन हो चाहे उसकी स्टार्टिंग हो, पर फैटी लीवर मिलेगा ही मिलेगा। उन लोगों को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि उनके हेरिडेटरी, जिसको जेनेटिक्स बोल देते हैं, वो वाली प्रॉब्लम है, तो उनको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है अपने लीवर पे। और जिनको अभी रिसेंटली में, अगर उनकी फैमिली में ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है और अगर आपको अभी अगर कोलेस्ट्रॉल की, ट्राइग्लिसराइड की, थायराइड की, बीपी की, डायबिटीज की अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो मान के चलिए आपका लीवर फैटी है ही है, क्योंकि आपने इन सब का टेस्ट करवाया होगा और आप फैटी लीवर का टेस्ट करवाना भूल ही जाते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं अल्ट्रासाउंड होता है उसका, नहीं, ब्लड से भी उसका टेस्ट हो जाता है और अल्ट्रासाउंड से भी होता है। जो आपको कंफर्टेबल लगता है, आपके नियर बाय जो भी है, आप टेस्ट करवा सकते हो। क्योंकि डायबिटीज का तो आप रूटीन में टेस्ट करवा रहे हो, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां ले रहे हो आप, ट्राइग्लिसराइड के लिए मेडिसिन ले रहे हो, तो आप इसका भी टेस्ट करा सकते हो। जब आप इतने रुपए खर्च कर रहे हो तो थोड़े से और कर लीजिए। फैटी लीवर का टेस्ट ज्यादा महंगा भी नहीं होता है, सस्ता सा होता है, आप उसको इजिली करवा सकते हो। आप कैसे जान सकते हो? सबसे पहले है हमारी गर्दन। हाँ, ये जो हमारा नीचे का पोर्शन होता है, यानी कि यहाँ पे गर्दन जो होती है ये पीछे वाली, तो वहां पे क्या होता है, काली लाइन जमा हो जाती है। कुछ भी कर ले वो जाती ही नहीं है, हल्की हल्की काली लाइन सी हमें शो होती रहेगी, दिखती रहेगी। और मस से हो जाते हैं छोटे छोटे, जिसको मस जिसको बोलते हैं, ब्लैक ब्लैक से होते हैं। कई लोग तो उनको निकलवा भी लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने निकलवा लिया तो आपका लीवर फैटी नहीं होगा, वो एक आपकी बॉडी से पैदा हुआ है, नेचुरली है। क्योंकि आपका लीवर फैटी हुआ है उस वजह से वो प्रॉब्लम हुई है, तो इसका मतलब है आपका लीवर फैटी है। अगर गर्दन काली है और मस्से हो रखे हैं तो आपका लीवर फैटी हो चुका है, आपको टेस्ट करवाना ही चाहिए। दूसरा जो होता है, कॉलर साइज से पता चल जाता है। हाँ, जो हमारी कॉलर साइज होती है, हम शर्ट पहनते हैं क्योंकि लड़कियां भी आजकल शर्ट पहनती है, या कुर्तियां हैं वो शर्ट वाली बनवाती है, लड़के तो पहनते ही पहनते हैं, तो उसमें भी कॉलर साइज होता है। शायद आप सोच रहे होगे कि हमने कभी सुना ही नहीं, उसमें भी अलग अलग कॉलर साइज होता है, उसमें साइजेस दिए होते हैं आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग जो आपको फिट आती है, तो उससे भी हम पता लगा सकते हैं। अगर कॉलर साइज का आपको नहीं समझ आ रहा तो आपको क्या करना है, इंची टेप जो लेना है और पूरी गर्दन को, हाँ, गोल जो गर्दन है उसको पूरा कवर करना है और उसको नापना है कि कितने सेंटीमीटर में आ रहा है। सेंटीमीटर में नापना है, इंचीज में नहीं नापना है, ठीक है? किसी को नहीं पता तो अपने फैमिली मेंबर्स में से किसी को पूछ लीजिए कि सेंटीमीटर में कैसे नापते हैं। तो मेल का अगर 37 से ज्यादा है, यानी कि 37 जिसको बोलते हैं 37 इससे ज्यादा है, तो इसका मतलब है उनको फैटी लीवर है। और जो फीमेल्स है, वोमेन्स है, उनके अंदर 33 यानी कि 33 अगर इससे ज्यादा है तो उनको फैटी लीवर है। कहीं भी कुछ भी नहीं करवाने की जरूरत है। अब इन दो तीन चीजों को नोटिस कीजिए और आप खुद पता लगा सकते हो कि आपको फैटी लीवर हो ही रखा है। वेट तो, क्योंकि वेट गेन का हम नहीं मान सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या होते हैं, जब हेल्थ इश्यूज होते हैं तो उनका वेट गेन होता ही नहीं है। क्योंकि मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं जिनका फैटी लीवर हो रखा है पर वो पतले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पतले हैं तो उनको फैटी लीवर नहीं हो सकता। जो मैंने सिम्टम बताए, अगर आपकी बॉडी में कहीं भी शो हो रहे हैं, आप घर पे मेजरमेंट करके देख रहे हो, फिर भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप फैटी लीवर का टेस्ट जरूर करा लीजिए, क्योंकि फैटी लीवर को हेल्दी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर लीवर ठीक रहेगा, जो हमें कोलेस्ट्रॉल की, डायबिटीज, बीपी, थायराइड, जो भी मैंने प्रॉब्लम बताई, अगर वो हो रखी है आपकी, जैसे ही आपने लीवर को हेल्दी रखा, सही रखा, फिट रखा, तो आपकी ये प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी। आप उसके बाद में इनका भी टेस्ट कराइए, ये भी नॉर्मल आएंगे, क्योंकि ये लीवर का ही पार्ट है।
क्योंकि लीवर में खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो उस वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं हो रहा है हमारा। तो इन बातों का ध्यान रखकर हम अपने फैटी लीवर का पता कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लोगों को शेयर कीजिए, ताकि जिनको फैटी लीवर है और उनको पता ही नहीं है तो वो मेरी वीडियो देखकर अपने फैटी लीवर का पता कर सके और टेस्ट करवा सके, उसके बाद में अपने लीवर को हेल्दी रह सके और बाकी हेल्थ इश्यूज से बच सके। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखिए और फीडबैक देना मत भूलिए। और अगर आपको मेरी अपॉइंटमेंट चाहिए तो मैंने नीचे नंबर दिया हुआ है, या मेरा हेल्प ग्रुप जाके भी आप ज्वाइन कर सकते हो और अपने लीवर को फिट रख सकते हो।